नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डिलीशियस रेसिपी लेके आई हूँ। एक डेजर्ट की रेसिपी, एक हैदराबादी क्विजीन, लौकी साबूदाने का खीर जिसे कद्दू का खीर कहा जाता है। तो मैं इंग्रेडिएंट्स पहले आपको दिखा देती हूँ। मैं लौकी ले रही हूँ 1 कप। लौकी का जो पानी है मैंने स्क्वीज करके निकाल दिया है, और उसके बाद ये है 1 कप। शुगर मैं ले रही हूँ 1/3 कप। कंडेंस मिल्क मैं ले रही हूँ 2 टेबल स्पून। घी मैं ले रही हूँ 2 टेबल स्पून। एलमंड मैं ले रही हूँ 15 पीस, जिसे मैंने काट के टुकड़े कर लिए हैं। काजू भी मैं ले रही हूँ 15 पीस। इलायची मैं ले रही हूँ 5 पीस। ग्रीन फूड कलर मैं फ्यू ड्रॉप्स ले रही हूँ। ग्रीन फूड कलर ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकती हैं, नहीं तो स्किप कर सकती हैं। साबूदाना मैंने 1/3 कप लिया है, जिसे मैंने गर्म पानी में भिगो के रखा है। मिल्क मैं ले रही हूँ 3 कप्स। मावा मैं ले रही हूँ 4 टेबल स्पून। ब्लैक रेजिन्स मैं ले रही हूँ 10-15। मैंने बासमती राइस और कैशू का एक पेस्ट तैयार कर लिया है। मैंने मुट्ठी भर बासमती राइस और 10-12 काजू लिया है, उसका मैंने एक पेस्ट तैयार कर लिया है। मैं केवरा वाटर ले रही हूँ 1 टीस्पून। तो चलिए दोस्तों, इस डिलीशियस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। गैस पे मैंने कढ़ाई रख दिया है, गैस को मैं ऑन कर लेती हूँ। अभी मैं पहले इसमें घी डालूंगी। घी को थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे हम। घी हमारा मेल्ट हो गया है, मैं पहले एलमंड डालूंगी इसमें। तो हल्का सा फ्राई करके मैं निकाल लूंगी इसे। एलमंड को मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया, मैं अब निकाल रही हूं इसे। काजू को फ्राई करेंगे हम, इसे भी हल्का सा फ्राई करेंगे। काजू को मैं निकाल रही हूं। अब मैं किशमिश को फ्राई करूंगी, इसे भी हल्का सा फ्राई करना है। मैं किशमिश निकाल रही हूं। जिस कढ़ाई में मैंने नट्स को फ्राई किया था, मैं अभी इसमें लौकी को फ्राई कर रही हूं। इसे हमें 10-15 मिनट कुक करना है, थोड़ा सा सॉफ्ट करना है इसे। लौकी को मैंने दूसरे बर्नर में शिफ्ट कर दिया। अभी मैं ये कढ़ाई ले रही हूँ, इसमें हम दूध डालेंगे। दूध को थोड़ा गर्म होने देंगे। जब तक दूध हमारा गर्म होता है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताना चाहूँगी। जो डेजर्ट हम कुक कर रहे हैं, इसके बारे में बताना चाहूँगी दोस्तों। क्लासिक डेजर्ट गीले फिरदौस, कॉमनली नोन एज कद्दू का खीर और कद्दू की खीर, एज बॉटल गॉड इन इज नोन एज कद्दू इन हैदराबाद। एज द होली मंथ ऑफ रमादान सेट्स इन दिस डिवाइन, कद्दू की खीर इज ऑल्सो सोल्ड इन द स्मॉल इटरीज एंड स्टॉल्स ऑन द स्ट्रीट्स। इट्स रिच एंड लूसियस कंसिस्टेंसी मेक्स इट्स एब्सोल्युटली इररेजिस्टिबल। तो ये क्लासिक डेजर्ट है, और मैं बहुत ही ट्रेडिशनल वे में आपको दिखा रही हूँ। सम ऐड फाइनली ग्राउंड बासमती राइस एज वेल टू मेक इट एरोमेटिक एंड मोर क्रीमियर। तो मैंने तो आपको दिखाया ही है, मैं बासमती राइस और काजू का मैंने पेस्ट तैयार किया है। सिमरिंग एवरीथिंग ऑन लो फ्लेम फॉर लॉन्गर पीरियड टाइम इज द की फॉर दिस डिवाइन पुडिंग। और जो लोग वेगन हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ दोस्तों, रिप्लेस फुल फैट मिल्क विथ प्लांट बेस्ड मिल्क लाइक कोकोनट मिल्क और एलमंड मिल्क। रिप्लेस खोया विथ कैश्यू पेस्ट और एलमंड पेस्ट टू गेट इट्स रिच कंसिस्टेंसी। तो देखिए दोस्तों, दूध हमारा गर्म हो चुका है। अभी मैं इसमें चीनी डाल देती हूँ। चीनी डालने के बाद मैं ये इलायची डाल रही हूँ। थोड़ा समय हम इसको चीनी को मेल्ट होने देते हैं। चीनी हमारा मेल्ट हो गया है। अभी मैं ये बासमती राइस और कैशू का पेस्ट डाल रही हूँ इसमें। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। हमारा राइस और कैशू पेस्ट अच्छे से मिक्स हो गया है दूध में। फ्लेम को मैं लो ही रख रही हूँ, लो फ्लेम में ही कुक कर रही हूँ। अभी जो मैं मावा ले रही हूँ, मैं उसे गर्म दूध के साथ मिक्स कर दूंगी, मिक्स करके इसमें डालूंगी। तो हम अच्छे से मावा को दूध में मिक्स कर लेते हैं। अभी मैं मावा डाल रही हूँ, जिसे मैंने दूध के साथ मिक्स कर लिया है।
अगर मावा आपको बनाना नहीं आता है तो प्लीज मेरे चैनल में चेक कीजिए, मैंने मावा का वीडियो भी डाला है, घर में कैसे बनाना है आप देख सकती हैं। तो इसे थोड़े टाइम के लिए ऐसे ही रहने देते हैं, मिक्स करके अच्छे से मिक्स कर देंगे, मिक्स करके इसे थोड़े समय के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अभी मैं इसमें साबूदाना डाल रही हूँ। मैं कुकिंग टाइम सेव करने के लिए मैंने साबूदाने को गर्म पानी में भिगो के रखा था। आप चाहे तो नॉर्मल पानी में आधे घंटे के लिए भिगो सकती हैं और उसे जब तक ये सॉफ्ट नहीं होता है तब तक आप कुक कीजिए साबूदाने को। लौकी को मैंने सॉफ्ट कर लिया 10-15 मिनट कुक करके, अभी मैं इसे निकाल रही हूँ। 10-15 मिनट हो गया है दोस्तों, मैंने सब इंग्रेडिएंट्स डाल दिया। अभी मैं ये कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अब मैं इसमें लौकी डाल रही हूँ, धीरे से डालिए आप, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। लौकी को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है, अभी मैं 20-25 मिनट के लिए इसे कवर कुक करूंगी। 25 मिनट मैंने इसे कवर कुक किया है, तो चलिए देख लेते हैं। इसे कुक करने में ऑलमोस्ट 1 घंटा लग जाएगा। अभी देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, मैं क्लोजअप दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए साबूदाना भी अच्छे से कुक हो गया है, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है, सब कुछ अच्छे से कुक हो गया है। लगभग 1 घंटा तो लग जाएगा आपका ये कुक होने में। तो अभी हम इसमें फिनिशिंग टच देते हैं, हमारा नट्स डालेंगे, हम नट्स डालेंगे इसमें, केवड़ा वाटर डालेंगे। आपको केवड़ा वाटर पसंद नहीं है तो मत डालिए, लेकिन मुझे बहुत पसंद है तो मैं केवड़ा वाटर डालती हूँ। और इसमें ग्रीन फूड कलर डालेंगे। ज़्यादातर क्या होता है कि हम खीर जब बनाते हैं दूध को गाढ़ा करके कुक करते हैं, लेकिन हम लोगों ने इसमें तो डाला ही है बासमती राइस का कैश्यू पेस्ट डाला है इसे ठीक करने के लिए। तो ये खीर तो बहुत ही हेल्दी बन गया है साबूदाना डालने से। बढ़िया सा लौकी साबूदाना खीर हमारा तैयार है दोस्तों। मैं गैस बंद कर देती हूँ और आपको सर्व करके दिखाती हूँ। आप चाहें तो इसे गर्मा गर्म खा सकती हैं या इसे फ्रिज में रख के चिल्ड करके खा सकती हैं। तो मैं सर्व कर लेती हूँ। बढ़िया सा खीर तैयार है, मैंने सर्व कर लिया है। मैंने थोड़े से नट्स अलग से रख दिया था, उससे मैंने इसको सजा दिया है। लग रहा है ना बहुत बढ़िया दोस्तों, आप लोग ट्राई करेंगे तो आपको इतना पसंद आएगा। मुझे तो बहुत ही पसंद है, बहुत ही मेरा फेवरेट है, बहुत ही डिलीशियस होता है, बच्चों को बड़ों को सबको पसंद आएगा। कोई भी स्पेशल ओकेजन में आप इसे कुक कर सकती है, रक्षाबंधन, दिवाली, कुछ भी स्पेशल ओकेजन हो। और कुछ स्पेशल ओकेजन नहीं है तो इस खीर को कुक कीजिए, कुक करके आप उस डे को स्पेशल कर सकती हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा और आप मेरी रेसिपी को ट्राई जरूर करेंगे। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, डू राइट योर लवली कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो।